हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जेल मास्क प्लस स्क्रब का रिव्यू और कैसे आप पील मास्क को भी दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये है जेल मास्क। द मास्क एक्सपर्ट रिलीज फीलिंग ब्यूटीफुल 3D ग्लो चारकोल जेल मास्क प्लस स्क्रब इंस्टेंटली डिटॉक्सिफ पोर्स प्लस एक्सफोलिएट्स फॉर स्मूथ स्किन ड्यूल एक्शन मास्क फॉर ऑल स्किन टाइप। जी हाँ, इसे सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। सभी चीजें इसके पर मेंशन की हुई है। पैकेजिंग काफी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हो। क्या क्या पोर्शंस आपने लेने हैं, सभी चीजें इसके पर मेंशन की हुई है। क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तो सभी चीजें इसके पर मेंशन की हुई हैं। और इसकी प्राइस है 69 रुपीज, बट ये मुझे मिला था 60 रुपीज के प्राइस में। इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह ही परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन भी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने इसकी पैकिंग ओपन क्यों की हुई है, इसे क्यों इस तरीके से खोला हुआ है। तो मैं बता देती हूँ दोस्तों कि इसे मैं पहले एक बार इस्तेमाल कर देख चुकी हूँ। अभी 2 दिन पहले भी मैंने इसे इस्तेमाल किया था अपनी स्किन पर। मुझे मेरी स्किन पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए मैंने इसकी पैकिंग आपको ओपन कर दिखाई है ताकि आप बिलीव कर सकें कि गाइस मैं इसे पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूं, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर किया है। और जैसे कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि जब भी मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किसी भी पैक के या स्क्रब के, तभी मैं उस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि अभी गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में बहुत सारी गंदगी, धूल मिट्टी हमारी स्किन में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है और स्किन में डलनेस आ जाती है। स्किन डल सी दिखने लगती है, ग्लो नहीं रहता है और हमारी स्किन हमें सॉफ्ट और स्मूथ भी नहीं लगती है। तो ऐसे में ये जेल मास्क बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। कैसे इस्तेमाल करना है आप आगे की वीडियो में देख पाएंगे, तो प्लीज दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। अब चलिए मैं इसे अपने फेस पर आपको इस्तेमाल कर दिखा देती हूँ। जो लोग चारकोल पील मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर चारकोल को किसी न किसी रूप में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं मास्क या पैक के रूप में, तो वैसे तो आपने बहुत सारे पैक वगैरह देखे होंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और इस तरीके का जेल मास्क है तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हो फेस पैक या फेस मास्क की तरह, तो ये आप अभी मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में। और दोस्तों, उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है जो कि चारकोल इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पील मास्क, क्योंकि हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा हमारी स्किन खींचने लगती है, उसमें हमें पेन भी बहुत होती है। तो ऐसे में आप इसे मास्क या पैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको अब यहां पर कर दिखाने वाली हूं। क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पेन होती है जब भी मैं स्किन को ऐसे इस तरीके से खींचने लगती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है, इसलिए मैं इसे पील मास्क की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपके पास भी अगर कोई जेल मास्क है तो इस तरीके से भी आप उसे यूज कर सकते हो। और रही यहां पर ब्लैकेट या व्हाइटेड्स की बात, तो आपने अगर ब्लैकेट व्हाइटेड्स को रिमूव करना है, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि स्क्रब की तरह भी काम करता है, तो आप इसे सिर्फ अपने नोज एरिया पर इस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। सिर्फ इतने एरिया में, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता रही हूं, सिर्फ इतने एरिया में आपने अप्लाई करना है। और जब ये 5 से 10 मिनट बाद ड्राई हो जाएगा तो आप उसे हल्के हाथों से इस तरीके से खींच सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका है इस जेल मास्क को इस्तेमाल करने का। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूं और मैंने भी थोड़ा गैप में ही लगाया, इसके पास नहीं लगाया। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके फेस पर कोई भी इरिटेशन हो रही है या किसी तरह की आपकी स्किन जल रही है, तो आप इस जेल मास्क को इमीडिएट वॉश कर लीजिए, अपने फेस से हटा दीजिए। और चाहे तो आप पैच टेस्ट करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आपकी स्किन पर कोई इचिंग वगैरह हो रही है, तो आप इसे इमीडिएट वॉश कर लीजिए। तो मैंने इसे पील मास्क की तरह अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा मोटी लेयर में लगाया है। अब मैं इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट रखूंगी, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होने दूंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप इसे पील मास्क की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी आईब्रोज वगैरह पर बिल्कुल मत लगाइएगा, आंख के आसपास मत लगाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे वॉश कर लेती हूं और बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होने दिया है मैंने इसे, ये थोड़ा हल्का अभी गीला है मतलब। और तो चलिए मैं इसे वॉश कर लेती हूँ वेट स्पॉन्ज की हेल्प से। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने फेस को वॉश कर लिया है, स्किन में कितनी अच्छी ग्लो आई है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रही है जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आया है और वाकई मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन की इसने गहराई से सफाई करी है और स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रही है, पहले से भी ज्यादा ग्लो आप देख सकते हो गाइस। मैंने फेस पर इस वक्त कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है और ये जो आपको नॉइज आ रही है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे घर पर है इस वक्त, तो थोड़ा बहुत शोर आएगा ही। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कुछ टिप्स देना चाहती हूँ दोस्तों एंड में, कि अगर आप इसे फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसकी मोटी लेयर ही अप्लाई करना ताकि आप इसे आसानी से रिमूव कर पाए। वेट स्पंज की हेल्प से आपने इसे रिमूव करना है, बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा।
और अगर आप दोस्तों इसे पील मास्क की तरह अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसकी पतली लेयर ही अप्लाई करनी है ताकि आपको इसे रिमूव करने में आसानी हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा दोस्तों, और बस अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आप इसे जेल पैक और जेल मास्क और पील मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे आज के ये टिप्स अच्छे लगे होंगे और आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।